नमस्कार। शाम के 5 बजे डेली के लाइव प्रोग्राम में, मेडिटेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कुछ नए व्यूवर्स को मैं ब्रीफ कर दूं कि ये मेडिटेशन प्रोग्राम, एक कैप्सूल प्रोग्राम, इस क्वारंटाइन टाइम में आप सभी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं है। ये मेरे अनुभव के आधार पे, जैसे जैसे हम पेशेंट को ठीक करते गए, उस आधार पे हमने सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, जिसमें योग निद्रा, हिप्नोथेरेपी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का, विपश्यना, इन सब चीज़ों का मिश्रण है। तो इसको उसी तरीके से लें, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आपको इसका फ़ायदा मिलता है। रोज़ तय समय पर हमारे साथ शाम को 5 बजे, अभी जब तक लॉकडाउन है, हम आपके साथ यूं ही शाम को मेडिटेशन करते रहेंगे। कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखें, जो नए करने वाले हैं वो नहीं अगर कर पा रहे हैं तो हमारी कमांड्स को सिर्फ रिपीट करें। जस्ट रिपीट माई कमांड्स। अगर आप सिर्फ दोहराएंगे तो धीरे 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 आपको इटसेल्फ ऐसी अनुभूति होगी कि अच्छा लय महसूस हो रहा है और आप बंद आंखों से भी देख पा रहे हैं। तो ऐसा ज़रूर करें और करते करते अभ्यास होने लग जाएगा। मेडिटेशन, जिनका बॉडी स्टिफ हो रहा है, जैसे कंप्लेंट आती है, तो आप अपने चेयर पे बैठ करके, जिनको घुटने का प्रॉब्लम है कुछ है, तो कुर्सी पर बैठ करके आरामदायक मुद्रा में आप ध्यान करें। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को तोड़ा मरोड़ा जाए। जब तक आपका स्वेच्छा से कोई आसन नहीं होगा, स्थिर सुखम आसनम, जो आसन आपको सुख ना प्रदान करे, वो आपकी मानसिक अनुभूति को कैसे अच्छा कर सकता है। तो मन के लगने के लिए शरीर को कष्ट में ना डालें। आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठें। स्पाइन सीधी रहेगी तो हमारे चक्रास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं और हमें मैसेज पहुंचने और मिलने में बहुत ज़्यादा सुगमता होती है और हमारा ध्यान का जो फ़ायदा है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। इसलिए स्पाइन सीधी हम ये कहते हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप पैर फोल्ड करके ही ज़मीन में बैठें। स्पाइन सीधी रहे, हथेलियाँ ऊपर की ओर रहें, जिससे आप एनर्जी को पूरा रिसीव कर सकें, चेहरे पर एक मुस्कुराहट का भाव हो। तो शुरू करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक प्रार्थना या भजन के साथ, जिससे जो और लोग भी हैं उनका मन लगा रहे। 5 मिनट हम इस पर ध्यान करेंगे। ध्यान इन द सेंस, इसको इसमें डूब कर सुनेंगे। बहुत खूबसूरत सा भजन है और इतना डूबेंगे कि आपकी सारी इंद्रियां काम करने लगें और सिर्फ फिजिकल बॉडी आपकी बैठी रहे। जितना खूबसूरती से आप एक्ट कर सकते हैं भजन को, प्रार्थना को करें। और जो मंदिर नहीं गए हैं वो मंदिर इमेजिन करें, अपने आप को मंदिर जाने की तमन्ना भी पूरी करें, महसूस करें अपने आप को मंदिर में और प्रॉपर स्तुति करें, सारी इंद्रियों के साथ, सारे सेंसेस के साथ, एक एक कोशिका के साथ, एक एक सेल के साथ, आनंदमय होकर, भाव विभोर होकर। चाहे मेल्स देख रहे हैं, पुरुष या महिलाएं, सभी एक्ट करें बंद आंखों से, मंत्रमुग्ध होकर।
इस ध्यान को आंखें बंद करके करें, मैं सारी के सारी कमांड्स देती हूँ, आप आंखें बंद रखें, सिर्फ पहले खोलें जब शुरू होता है और जब खत्म होगा तब खोलें। आंखें बंद रहने दें। जैसा कि मैंने बताया कि स्पाइन स्ट्रेट, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, कुछ देर ओम की चैंटिंग करेंगे, श्वास भर लें और ओम की उच्चारण करें। ओ फिर श्वास भरें, ओ फिर श्वास भरें, ओ फिर श्वास भरें, ओ फिर श्वास भरें, ओ एक बार और, ओ अपने ध्यान को आहिस्ता से अपनी श्वास पर केंद्रित करें, अपसाइड द अपर लिप अराउंड योर नॉस्ट्रिल, अपनी आती जाती श्वास को देखने की कोशिश करें, उसके स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करें। आप आंखें बंद रखें और हमारे कमांड्स को फॉलो करें। लगातार अपनी आती जाती श्वास को देखते जाएं। और उसे महसूस करते जाएं। नॉस्ट्रिल के अराउंड अपसाइड द अपर लिप फील द सेंसेशन ऑफ योर ब्रीदिंग, आपके ब्रेथ के आने जाने को महसूस करें। जैसे जैसे आप ब्रेथ को देखते हैं आप स्वस्थ होते जाते हैं, रिलैक्स होते जाते हैं, विचारों से दूर होते जाते हैं, अपने आप में आते जाते हैं, स्व में आते जाते हैं। सारा ध्यान नॉस्ट्रिल के आसपास, अपसाइड द अपर लिप, एंजॉय योर ब्रीदिंग। देखने की कोशिश करें, try to see your breathing, feel your breathing। सामान्य श्वास चलने दें। अब आहिस्ता से अपने ध्यान को अपनी नाभि पर केंद्रित करें। ले रहे हैं उसके
While you exhale, I am exhaling all negativity from my body, from my mind. Energy follows thought. Jaisa you breathe in, while you breathe out, I am exhaling all my negativity from my body, from my mind. फिर सांस भरें, मैं अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल रहा हूँ. Anger from my body, from my mind. Deep inhalation, I am removing all my frustration from my body, from my mind. Inhale, I am removing all my fear from my body, from my mind. एकदम natural है. हर किसी को ये सारा प्रॉब्लम होता है, पर ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा बोलकर अपनी बॉडी से बाहर निकालें. I am removing all anger, fear, frustration, all these negative energy. Now, मैंने anger, frustration, irritation, सारा कुछ बाहर निकाल दिया है. साफ सुथरा घर कैसा अच्छा लगता है, वैसा ही आपका शरीर एकदम आपको चमकता हुआ सा महसूस हो रहा है. अब हम प्रार्थना करेंगे. हे परमपिता परमात्मा, सूर्य भगवान, पृथ्वी, सभी महान आत्माएं और हमारी अपनी आत्मा, हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं आपके असीम आशीर्वादों के लिए, सहायता एवं समर्पण के लिए. हम आध्यात्मिक साधना करते रहें ऐसी आंतरिक शक्ति के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं. हमें जो ऊर्जा मिल रही है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं और हम पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं. पूरे शरीर को बंद आंखों से विजुलाइज करेंगे. दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का टखना, दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की जंघा, पूरा दाहिना पैर शिथिल, शांत, ऊर्जा से भरा हुआ. बाएं पैर पे ध्यान को शिफ्ट कीजिए. बाएं पैर की एड़ी, पंजा, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा दाहिना और बायां पैर एकदम शांत और शिथिल हो गया है. आप आंखों को बंद रखें, अपने ध्यान को नाभि पर केंद्रित करें, हृदय को बंद आंखों से देखें, अपने ध्यान को गले पर महसूस करें, चेहरे पर अपनी चेतना को लाएं, दाहिने कंधे में एक भार सा महसूस करें, दाहिने हाथ की हथेली में, बाएं हाथ की हथेली में चेतना को ले जाएं, कोहनी, बाएं हाथ का कंधा, पूरी रीढ़ की हड्डी में आहिस्ता से अपने ध्यान को ले जाएं, गर्दन के पीछे, हृदय के पीछे, नाभि के पीछे, सबसे निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी का टेलबोन, चेहरे पर अपने ध्यान को ले जाएंगे.
सिर के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएंगे। अब जो जो मैं बोलती हूँ वो आप देखते जाएंगे, उस ऊर्जा का आभास करते जाएंगे। खिला हुआ कमल, नाश्ता हुआ मोर, उगता हुआ सूरज, हमिंग बर्ड्स, पैरट तोता, गिलहरी, बारिश की बूंदे, पूर्णमासी का चांद, आधी रात का आसमान, मिडनाइट, तारों ट्विंकल करते हुए तारे, चमचमाते हुए तारे, समुद्र में ऊपर नीचे गोते लगाती हुई डॉल्फिन्स, समुद्र की और गहराई तक निचले हिस्से में रंगीन मछलियां, आम से लदे हुए पेड़, शेर, समुद्र के गहरे तलहटी में शैवाल, एल्गी, इस तरीके के जितने जीव जंतु हैं, अंतरिक्ष, स्पेस, गैलेक्सी, कुछ देर शांत इस गैलेक्सी के साथ बैठे रहे, विचार शून्य होकर। विचार शून्य, शांत, धीरे धीरे वापस आए, अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, उसके भार को महसूस करें। आंखें नहीं खोलेंगे, आसपास की ऊर्जा को महसूस करें। कृतज्ञ रहें उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का जो आप मेडिटेशन के टाइम पर रिसीव करते हैं, क्योंकि आप थॉटलेस होते हैं, विचार शून्य होते हैं, और कई बार इतने विचार शून्य होते हैं कि मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। इसका आभास आपको होता नहीं है, पर ऐसा होता है कि आप डीप ट्रांस स्टेट में होते हैं, और उस समय आपका हीलिंग पावर बहुत मेनी टाइम्स इम्प्रूव हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हर चीज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। तो कृतज्ञता मीन्स थैंकफुलनेस, हर वो चीज जो आपके पास है, नॉन लिविंग से नॉन लिविंग, लिविंग से लिविंग, जो आपने पहना है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके रिश्ते अमूल्य हैं।
आपकी प्रकृति, आपका घर, धूप हवा मिट्टी पानी आकाश, कृतज्ञ रहे। हमेशा धन्यवाद का फील रहे। सारी चीजों को, रिश्तों को धन्यवाद देते रहे। माता पिता, बच्चों, पति, आसपास रिश्तेदार, जानने वाले, परिचित, अपरिचित, सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सभी को बताया जाए कि जो अच्छा है उसको वो अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे में कोई ऐसा भी याद आ जाए, रूखा बिहेवियर है, उसको भी बाय सोल माफ करें। बहुत सारे लोग ऐसे ध्यान में अगर आते हैं जिनसे कभी कोई ईर्ष्या, द्वेष, कड़वाहट रही हो, उन्हें फॉरगिव करें। एक अच्छा सा वाइब्रेशन और हल्कापन महसूस होगा आपको ऐसा करके। उनके पास जाकर के बोलने की जरूरत नहीं है। एनर्जी फॉलोज थॉट, भाव आ गया मन में काफी है। भाव आ गया मन में, विचार आ गया मन में, मान लीजिए काम हो गया, और वही वाइब्रेशंस आपके रिश्तों को भी अच्छा कर देंगे और आपको फिजिकली अनफिट होने से बचाएंगे। आपकी एक एक नर्व, एक एक सेल, एक एक कोशिका हमेशा हेल्दी रहेगी, किसी भी इस तरह के विचार के प्रेशर में ही नहीं रहेगी। कभी कुछ ऐसा बोला है किसी को, कुछ याद आ रहा है, सब कुछ फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए हर किसी को। और सिर्फ बोलने से होता है? आपको लगे अरे हम कैसे माफ करें, कैसे दोबारा जाएं, बहुत बड़ी बात थी। जस्ट सेल्फिश बन जाइए और सिर्फ अपने लिए आज अपनी आत्मा से मैं उसे माफ करती हूँ या करता हूँ, That's enough. इतना पर्याप्त है, और इसका असर आप देखेंगे आने वाले समय में। अब हम अपनी संकल्प की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा कुटुंब स्वस्थ है, मेरा कुटुंब सुरक्षित है, मेरा भारत स्वस्थ है, मेरा भारत सुरक्षित है, संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, संपूर्ण विश्व सुरक्षित है, हमारी पृथ्वी स्वस्थ है, हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड सुरक्षित है। और इसी के साथ हम आज्ञा चाहेंगे, जो भी लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नेचुरोपैथी, योग और मेडिटेशन से संबंधित किसी भी छोटी मोटी बीमारियों को, एक्यूट डिजीजेस को इनिशियल स्टेज पे क्योर कीजिए, जिससे आपका प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़े और आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से और अच्छे से अपनी वेलबींग को बढ़ा सकें, और लोगों को भी एडवाइस करें और खुद भी करें। जिनको फायदा, कमेंट जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।